हेलो एवरीवन, मैं अभी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालें, हम मैसेप कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एचसीएफ का, वो हम देखेंगे कि हमारे इसमें है 125 और 250 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जो एचसीएफ निकालेंगे वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। किसके द्वारा निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 125 है और फिर हमारे पास कितना है, 250। दोनों का निकालने के लिए 125 के गुणनखंड निकालेंगे और 250 के हमको क्या निकालने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे। तो 125 के गुणनखंड हम निकालेंगे और 250 के भी हमको क्या निकालने होंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 125 किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि अभाज्य संख्या यूज करनी है। जब आप गुणनखंड करो तो ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2 के बाद होती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19 और भी बहुत सारी होती है, बट अभी हमने मैंने इतनी लिखी है क्योंकि इसमें जो हमारा है इसके अंदर से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमारा 5 से किया, 5 को करेंगे मान लो 10, बचेगा 2, 5 में 25। आपको ऐसे नहीं करना आता गुणनखंड, तो आप क्या करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 125 में 5 का भाग देके, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, नीचे 5 बचेगा 25, 5 में 25, 25 कितना आ गया, 25। भागफल कितना है हमारा, 25। तो वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है, 25। अब 25 है तो 5 से चला जाएगा, 5 में 25, 5 एकम 5, ये तो हमारा हो गया। अब हमको लेना है 250 के गुणनखंड, तो यहां तक हमारा हो गया। तो इसका 250 भी देखो 25 दिख रहा है, और 25 किससे जाता है, 5 से जाता है, 5 में 25 और 0 ऐसा कैसा। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 0 ऐसा कैसा। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ये हो गया हमारा यहां तक। अब हमको निकालना है इसका एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए 125 के गुणनखंड लिखेंगे, 250 के भी गुणनखंड हम लिखेंगे। 125 के है 5 इंटू 5 इंटू 5, 250 के है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया हमारा यहां तक। अब आपको क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ इसका होगा 5 कॉमन है इसमें से, फिर इसमें से 5 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, 5 5 और 5 क्या है, 3 संख्या इसमें कॉमन आ गई हमारे पास, उभयनिष्ठ आ गई। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इनको गुणा कर दीजिए, 5 में 25, 25 बन गए 125। ये क्या हो गया हमारा इसका एचसीएफ, 125। अभी दो नहीं लेना है क्योंकि आपको उभयनिष्ठ संख्या इसमें ही लेनी है। एंड अब आपको होमवर्क से क्वेश्चन करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। 100 और 90 का एचसीएफ कितना आएगा, 100 और 90 का एचसीएफ कितना होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना होगा। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एचसीएफ निकालना आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।